आर आई केटीएम। सो केटीएम में आज कौन सी बाइक है? जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और स्पीड लिमिट में आपका फिर से स्वागत है। आई सो कैसे हो आप सब? बहुत अच्छा है। तो स्पीड लिमिट की कोई लिमिट नहीं, तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करें। तो दोस्तों आज आए केटीएम और केटीएम में आज कौन सी बाइक है? तो दोस्तों बताता नहीं, बोले दिखाता हूँ पहले आपको। पहली बाइक है जो हमारे पास ड्यूक 125, जो इसके बारे में बताना चाह रहे हैं, तो मैं स्वागत करता हूं। तो इस बार हमारे साथ आ रहे हैं अंकित जी। तो अंकित जी स्वागत है आपका। और कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप सुनाए कैसे? बहुत बढ़िया। तो अंकित जी ये है 125 ड्यूक। जी सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। बिल्कुल सर। तो अंकित जी ये है 125, ठीक है। जब हम इसकी बात करें, इसकी जो पावर है वो पावर कितनी है सर? 14.5 PS की पावर है। ओके, 14.5 की, ठीक है। और जब टॉर्क की बात करी जाए तो टॉर्क 12 Nm का है। 12 Nm का है, क्या बहुत बढ़िया है। तो फिर दोस्तों इसके बाद हम ऊपर आते हैं, तो इसका जो फर्स्ट मैं फ्यूल टैंक की बात करूंगा, तो अंकित जी जो ये फ्यूल टैंक है वो कितने लीटर का होगा? ये आपका 13.5 लीटर का। 13.5 लीटर का टैंक हो गया भाई, बहुत जबरदस्त टैंक है। और इसमें इथेनॉल मिलता है 20%, ठीक है, 20% इथेनॉल मिलता है। और इसमें ये है कि फ्यूल इंजेक्टर है, ठीक है दोस्तों। वही सेम फ्यूल इंजेक्टर किस लिए काम आता है? आपको पता ही है कि आज क्योंकि बाइकों में किक नहीं आती, तो फ्यूल इंजेक्टर दे रखा है, तो एटलीस्ट 2 लीटर पेट्रोल होना चाहिए। जी सर, 2 लीटर आपका तेल इसमें होना ही होना। हाँ, तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं दिखा दूंगा, ये है केटीएम चाबी और इसमें केटीएम का ब्रांडिंग दे रखा है, ठीक है। और इसके अंदर डालते हैं एंड देन ये ऑन होती है। तो देखो, तो दोस्तों ये डिस्प्ले ऑन हो गई। तो अंकित जी बताएंगे कि क्या क्या फीचर्स है इसके? देखिए सर, इसमें आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा RPM, यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। ओके, ठीक है। और यहाँ पर गियर शो कर जाएंगे, यहाँ पर कितनी आपकी रेसिंग है आपकी जी, वो आपका शो कर जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर आपका बैटरी लो का, साइड स्टैंड डाउन, ये सारे आपके फीचर्स में आपको दिखने को मिल जाते हैं। ओके ओके। तो पेट्रोल का आपका यहाँ मिल जाता है, हीटिंग का आपका यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर बीच में आपको टाइमिंग का मिल जाता है, ठीक है जी। तो ये इसमें फीचर्स हैं इसमें। जी सर, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका इंजन का हो गया, ठीक है। ये आपका जब RPM चलता है, ये RPM दिखाता है जब, तब लाइट ब्लिंक होती है जब जाते चलाते हो। ये आपका न्यूट्रल का हो गया, ठीक है। तो इंडिकेटर्स हो गए आपका लेफ्ट और राइट वाला, ठीक है। ये इसमें ABS है एंड इसमें वार्निंग देता है जो आपके इंजन की होती है। इसके बाद हम करते हैं इसके हैंडल बार पे करते हैं। हैंडल बार देखो क्या जबरदस्त है, पकड़ने बहुत है, और आपको बैठ के बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद फिर इसके करते हैं, इसके आपको मिरर दिखाते हैं, और मिरर भी क्या जबरदस्त लिखा हुआ, ठीक है, जबरदस्त बना रखे हैं इसके मिरर, ठीक है। और फिर इसके बाद हैंडल बार में देखो, ये हाई करने के लिए, लो भी, हाई बीम करने के लिए। तो ये आपका इंडिकेटर लेफ्ट राइट करने के लिए, और ये आपका हॉर्न मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद फिर इधर आते हैं, तो ये ऑन ऑफ का है और यहाँ स्टार्ट। जी, ठीक है दोस्तों। फ्रंट में आते हैं, तो फ्रंट में आके आप देख रहे थे, DRR देख सकते हो, क्या जबरदस्त लग रहा है। हेलोजिन है, तो अभी चला के दिखाते हैं हेलोजिन। तो हेलोजिन आप देख सकते हो, क्या जबरदस्त लग रहा है यार हेलोजिन, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद हम नीचे आते हैं, जो आप रेडिएटर देख रहे हो, इसमें एक ही सिंगल फैन होता है, ठीक है। लिक्विड कूलर इंजन डलता है, दिखाया था आपको, यहाँ पे डलता है, ठीक है, लिक्विड कूलर इंजन इसे यहाँ डलता है, ठीक है दोस्तों। सिंगल फैन में आता है, ठीक है। फिर जो इसके जो शॉकर्स है, ये WP अपैक्स के शॉकर्स आते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद हम नीचे आते हैं, जो इसका जो अलॉय व्हील की बात करें, जो अलॉय व्हील है कितना है? जो अलॉय व्हील है वो 17 इंच का है। जो इसके टायर की बात करी जाए, जो टायर है कितना साइज होगा इसका? 110/70 का सर। तो दोस्तों 110/70 का टायर है दोस्तों। और ये ट्यूबलेस टायर है सर? जी सर, ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस टायर में आया था, क्या भाई जबरदस्त है। तो दोस्तों एक और चीज बता दूंगा, तो दोस्तों ABS प्लस डिस्क मिल जाता है आपको, ठीक है दोस्तों। और जो आपको ब्रेक मिल जाती है आपको इसमें,
इसके बैक साइड पे आते हैं, जो बैक साइड में है, जो इसका जो जो अलॉय व्हील है वो कितना इंच का है सर? 17 पे 17 इंच का है। और जो इसका टायर की बात करें जाए, वो इतना मोटा टायर है जो 150x60, तो दोस्तों 150 का इतना मोटा टायर है ये दोस्तों, ठीक है। और ये भी ट्यूबलेस टायर है जी सर, ठीक है। और इसमें भी आपको एबीए प्लस आपको डिस्क मिल जाता है, और ये ड्यूल चैनल के साथ आता है जी सर, ड्यूल चैनल के साथ। ऐसी बाइक है जिसमें 125 में आपको ड्यूल चैनल की 125 सीसी की सेगमेंट में आपको मिल रहा है जी सर, ठीक है। और इसमें एवीएस भी मिल रहा है आपको 125 में जी सर। तो ये सेगमेंट आप देख सकते हैं, ये ड्यूल चैनल में, और इतनी जबरदस्त जबरदस्त बाइक है। और फिर इसके बात करते हैं इसके, अब वो टाइम आ चुका था इसका एग्जॉस्ट सुनने का, तो इसके एग्जॉस्ट सुने जरा। बिल्कुल सर, कैसी है इसकी आवाज? ठीक है दोस्तों, खतरनाक आवाज थी 125 में भाई, गजब है। तो दोस्तों अब वो पाल आ चुका है, तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये टॉप स्पीड कितनी वक्ती है सर? इसकी टॉप स्पीड 127 जी सर। भाई साहब 125 है जी सर, 127 वक्ती है, भागी है सर ये। कस्टमर फीडबैक, क्या बात है, कस्टमर फीडबैक है दोस्तों, देख लो क्या जबरदस्त बाइक है। तो दोस्तों अब वो पाल आ चुका है कि कितने एवरेज देती है, क्योंकि हर कस्टमर की यही डिमांड होती है जब वो अपने बाइक लेता है, तो बस यही होता है कि मेरी एवरेज अच्छी होनी चाहिए। तो क्या एवरेज देती है? 125 सेगमेंट में बाइक है, तो आपका एवरेज 35-40 के बीच में देती है, 35-40 के बीच में देगी दोस्तों। देख लीजिए 125 में, और आपको 35-40 के बीच में आपको एवरेज दे देगी, मिल जाएगी सर। तो दोस्तों सिटीज में होती है, सिटीज में क्या होता है कि सिटीज में आपको इतनी एटलीस्ट दे देगी इतना, ठीक है, 35-40 के बीच में दे देगी आपको, ठीक है। और लॉन्ग रूट पे तो आपको पता ही फिर कैसी देगी, ठीक है। इसका बैठ के देखते हैं, इसका बैठने का पोस्चर कैसा है, तो एक पकड़ेंगे। तो दोस्तों सामने बैठ रही है, आप देख रहे हो पोस्चर कैसा है ये, और भाई साहब सच बताओ जबरदस्त है। तो दोस्तों 125 में क्या जबरदस्त है यार, सच बताऊं बैठ के मजा आ गया, पोस्चर बहुत बढ़िया, और पीछे साइड की जो पिलन सीट है वो भी बहुत जबरदस्त है, आराम से पीछे बैठने वाला भी बढ़िया हो। फिलहाल अभी कोई है नहीं मेरे साथ तो इस टाइम मैं अकेला हूँ, और अंकित जी हम जो हम शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्या जबरदस्त है, और साथ बताऊँ ये लंबे रूट के लिए बहुत जबरदस्त बाइक है, और फिर जो आप सिटीज में चलाते हैं, सिटीज में बहुत जबरदस्त बाइक लगेगी, और आपको ज़्यादा पेन भी नहीं होगा, बहुत जबरदस्त है, तो इसके लिए बनता है। अब वो सारी बाइक की बात हो गई, अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो मार्केट प्राइस क्या इसका पड़ेगा? सर इसका मास्टर प्राइस पड़ेगा 2,04,701 रुपए, 2,04,701 रुपए इसका। दोस्तों ये ऑन रोड प्राइस है, ठीक है दोस्तों, और आइए, और फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, प्लीज मिस ना करें, फटाफट आए, ठीक है दोस्तों। और ये थी 125, ठीक है। उससे पहले अंकित जी को विदा करते हैं, तो अंकित जी थैंक यू, तो आपने इतना कुछ बताया इस बाइक के बारे में, और सर बताऊँ और ये 125 सीसी में जो सेगमेंट में आई है भाई, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, सच बताऊं बढ़िया है, और ऑफर चल रहा है, प्लीज जल्दी आए, ये फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा ये कहाँ पर है, ठीक है दोस्तों, और आए विजिट करें, ठीक है। तो थैंक यू अंकित जी, और आपने इतना कुछ बताया इसके बारे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, शुरू से आखिर तक देखें, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, एंड जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, प्लीज मिस ना करें, और बाइक्स अभी ऑफर चल रहे हैं, ऑफर्स खत्म ना हो जाए, प्लीज जल्दी आए, ठीक है दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा ये कहाँ पर है ये एड्रेस, एंड